हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इग्नू की तरफ से आपके ऑनलाइन क्लासेस का न्यू शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपके रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर की तरफ से अगर ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल जारी किया जाता है तो इसको वेबसाइट पर कहां पर अपडेट किया जाता है, इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी BScG प्रोग्राम के स्टूडेंट है, यानी कि जो भी बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम के स्टूडेंट है, उनके लिए आपके ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड एक स्पेशल ही पोर्टल एक्टिव किया गया है इग्नू की तरफ से। तो इस पोर्टल पर आपको इग्नू की तरफ से क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाएगा, जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब बात करते हैं कि कौन कौन से रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की तरफ से आपके ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल जारी किया गया है। तो सबसे पहले, जो भी मोतीलाल नेहरू कॉलेज के स्टूडेंट है, जिनके स्टडी सेंटर का कोड है 38038, यहां पर आपके ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। कौन कौन से प्रोग्राम का किया गया है, जो भी BAG प्रोग्राम के स्टूडेंट है उनके लिए, साथ ही में यहाँ पर नीचे करेंगे तो जो भी BCOM प्रोग्राम के स्टूडेंट है उनके लिए, साथ ही में MA हिस्ट्री का और MA इंग्लिश का और MA पॉलिटिकल साइंस का, यहाँ पर ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनके यहाँ पर आपके ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। ये आपका काउंसलिंग जो है 18 अप्रैल तक होने वाला है और ये ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है और आपके जो भी काउंसलर है यहाँ पर उनका नाम दिया गया है सब्जेक्ट कोड के आगे। और यहाँ पर ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, इसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी दिया था मॉर्निंग में ही। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए। तो जो भी मोतीलाल नेहरू कॉलेज के स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर आपके ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। साथ ही में जिनके स्टडी सेंटर का कोड 38039 है उनके भी यहाँ पर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, जिनका प्रोग्राम कोड है MAAN और जिनका जुलाई सेशन 2020 का एडमिशन है, ये उनके लिए है और ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है और ये जो आपका काउंसलिंग है वो 16 मई तक होने वाला है। और साथ ही में जिनके स्टडी सेंटर का कोड 38039 और जिनके पास ये सब्जेक्ट है जो यहाँ पर आपको बताया गया है, उनके भी यहाँ पर आपके काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। ये आपका काउंसलिंग जो है 9 मई तक होने वाला है और कौन से सब्जेक्ट का काउंसलिंग के लिए क्या लिंक है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ऑनलाइन होगा, तो यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। और साथ ही में जो भी विजयवाड़ा रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है, जिनका एडमिशन जनवरी सेशन 2021 में हुआ है और जिनके पास ये सब्जेक्ट है जो यहाँ पर आपको बताया गया है, तो यहाँ पर आपके काउंसलिंग का भी शेड्यूल जारी किया गया है। ये जो आपका काउंसलिंग है वो 5 सेशन में होने वाला है, 11 बजे से होगा और ये 5 बजे तक चलेगा और ये जो है 28 तारीख को होगा और 11 अप्रैल को होगा और ये ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर आपको लिंक भी दे दिया गया है। और साथ ही में जो भी हैदराबाद रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है उनके लिए भी यहाँ पर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। कौन कौन से प्रोग्राम का किया गया है, BA साइकोलॉजी का, BAG का और MA फिलोसफी का और DEC और साथ ही में ये सब्जेक्ट का भी यहाँ पर आपके काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा शेड्यूल दिया गया है काउंसलिंग का और ये ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो है लिंक भी दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक नहीं होगा, पर आप इसको कहीं पर नोट डाउन करके किसी भी ब्राउजर में सर्च करोगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा और जिस भी टाइमिंग में आपका काउंसलिंग है आप अपने काउंसलिंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको काउंसलिंग का टाइमिंग भी प्रोवाइड करा दिया गया है और सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर आपको लिंक भी दे दिया गया है। जो भी BScG प्रोग्राम के स्टूडेंट है उनके लिए इग्नू की तरफ से एक पोर्टल ही आपको प्रोवाइड कराया गया है, जहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि आपके ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड यहाँ पर आपको बहुत से चीजें प्रोवाइड कराया जाता है। तो सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक नीचे दिया गया है। और आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है या फिर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है या फिर फिजिक्स का सब्जेक्ट है, वो सभी यहाँ पर दिया गया है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको उसी के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे कि केमिस्ट्री का है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर जो है आपके क्लासेस से रिलेटेड यहाँ पर आपको ऑनलाइन लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड कराया जाता है और साथ ही में आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ ही में जैसे कि ज्ञान दर्शन हो गया, ज्ञान धारा हो गया, ई ज्ञान कोर्स हो गया, वो सभी चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। और जो आपका वेब काउंसलिंग है उसका भी लिंक यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ये सब्जेक्ट है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आपको जो है कौन कौन से टॉपिक के ऊपर यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराया गया है और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है पूरा लिस्ट दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर वीडियो आपको दिया गया होगा वो इस तरीके से यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि आपको जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही में अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो यहाँ पर आपको वो भी प्रोवाइड कराया गया है। जैसे कि अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको
सेल्फ लर्निंग मटेरियल यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट का बुक प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर पेज लोड होगा और इस तरीके से यहाँ पर बुक जो है ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा पर बुक जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर आपका स्टडी मटेरियल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से आप स्टडी मटेरियल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, बस आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और गूगल ड्राइव में इस तरीके से जो आपका पीडीएफ फॉर्मेट का बुक आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का बुक चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसके मैथ का चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज लिखा हुआ मिल जाएगा, सब्जेक्ट कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग वीडियो होगा, तो यहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वीडियो भी दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और साथ ही में यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट का बुक भी दिया गया है, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बुक भी दिया जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से गूगल ड्राइव का आ जाएगा और यहाँ से आप बुक को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और अब बात करते हैं कि अगर आपके रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर की तरफ से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाता है तो इसको वेबसाइट पर कहां पर अपडेट किया जाता है, तो उसके लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक नीचे दिया गया है और यहां पर आपको सभी रीजनल सेंटर का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। आपका जो भी रीजनल सेंटर है उसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका दिल्ली 3 है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा काउंसलिंग शेड्यूल का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर सबसे पहले आपको सेशन लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन से सेशन के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है और आपके स्टडी सेंटर का जो भी कोड होगा यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था 38038 मोतीलाल नेहरू कॉलेज का, तो उसका यहाँ पर दिया गया है। इसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो न्यू शेड्यूल जारी किया गया है उसको यहीं पर अपडेट किया गया है। जिनका भी दिल्ली रीजनल सेंटर 3 है ये उनके लिए है और जिनके स्टडी सेंटर का कोड ये है तो यहाँ पर इसको अपडेट किया गया है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके स्टडी सेंटर का कोड जैसे कि ये वाला है अगरतला है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आपको काउंसलिंग मिल जाएगा, काउंसलिंग शेड्यूल इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और कई में जो आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है आपके रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर की तरफ से जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसको वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है, तो कई में आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काउंसलिंग नहीं होगा, आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आपके ईमेल आईडी या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया जाता है तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आपको दे दिया जाता है, तो उसको आप यहां से चेक कर सकते हैं कि कौन से रीजनल सेंटर या फिर कौन से स्टडी सेंटर की तरफ से काउंसलिंग का शेड्यूल कहां पर जारी किया गया है, जिसको आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको स्टडी सेंटर का कोड लिखा हुआ मिल जाएगा, बस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो यहां पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, जिनके भी स्टडी सेंटर का कोड ये है जो यहां पर आपको बताया गया है, इनका भी काउंसलिंग होगा और ये जो आपका काउंसलिंग है वो 29 मई तक होने वाला है, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से जो आप काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी पीडीएफ है सभी का लिंक नीचे दिया गया है और सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।